अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम, आई होप यू आर फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 8 ऑफ चैप्टर 8, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू यूजफुल प्रोडक्ट्स। सो लेट्स प्रोसीड टू वर्ड लेक्चर। टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट फॉर लास्ट फोर लेक्चर्स, दैट रॉ मटेरियल्स एंड द यूजफुल प्रोडक्ट्स, दैट हाउ मैनी रॉ मटेरियल्स आर एग्जिस्ट एंड विच काइंड ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स वी कैन मेक फ्रॉम दैट रॉ मटेरियल्स। So we have learned raw material, different raw materials from air, raw materials from water, raw materials from living things. So today we will learn about different raw materials from fossil fuels and their useful products. So fossil fuel, let's start its reading. A fuel is a substance, fuel ek aisa substance hai that burns to release energy in the form of heat and light. हीट एंड लाइट के इसको जैसे ही बर्न किया जाएगा तो इसमें से एनर्जी निकलेगी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स विच हैव टर्न टू स्टोन्स। फॉसिल्स जो इफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इनसाइड द सॉयल एंड दे रिमेन ओवर देयर फॉर हंड्रेड और फॉर मिलियंस ईयर्स, देन दे विल कन्वर्ट और कन्वर्ट इन टू स्टोन्स, दैट स्टोन्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड over millions of years from fossils and they are usually deposited, accumulated deep below the earth's surface. Fossil fuels जो है वो काफ़ी year तक ज़मीन में रहने के बाद बनते हैं और ये usually deposit रहते हैं ज़मीन की surface के नीचे। So different example of fossil fuels are crude oil, coal, natural gas. So let's start reading from book. रॉ मटेरियल्स एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हम डिफरेंट किस्म के रॉ मटेरियल्स हासिल करते हैं और उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनती है। पैराफिन इज़ अ रॉ मटेरियल डेट कम फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड इट इज़ यूज टू मेक सॉल्वेंट्स फॉर पेंट। जितने भी पेंट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं उनमें एज अ सॉल्वेंट, एज अ लिक्विड पैराफिन को यूज़ किया जाता है। वैक्स इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड डेट इज़ यूज टू मेक कैंडल्स। गैसोलीन इज़ अ मटीरियल डेट इज़ कमिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड इज़ यूज एज मोटर कार फ्यूल, मोटर गाड़ियों वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम जेली इज़ यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज यूज इन कॉस्मेटिक्स। रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल गैस, नेचुरल गैस इज़ अ फॉसिल फ्यूल एंड वी आर ऑब्टेनिंग डिफरेंट रॉ मटीरियल फ्रॉम नेचुरल गैस एंड देन डेट रॉ मटीरियल्स आर यूज फॉर डिफरेंट गुड्स। मेथीन, मिथेन, सल्फर एंड इथेन, दीज थ्री रॉ मटीरियल्स कमिंग फ्रॉम नेचुरल गैस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। मिथेन इज़ यूज टू हीट होम्स एंड कुक फूड। सल्फर आर यूजफुल इम्प्योरिटी, नेचुरल गैस में से निकलती है एक इम्प्योरिटी, लेकिन ये जो इम्प्योरिटी है काफ़ी यूजफुल है एंड इट इज़ यूज टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक एसिड है जो डिफरेंट किस्म के पर्पजेज में इस्तेमाल होता है। इथेन इज़ यूज टू मेक इथीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स। डेली रूटीन लाइफ में हम प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक बर्तन ये यूज़ करते हैं तो इनमें जो इस्तेमाल होता है केमिकल डेट इज़ नोन एज इथेन। रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट फ्रॉम कोल, कोल मीन कोयला, कोयला एक रॉ मटेरियल है एंड वी गेट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इट एंड यूजफुल प्रोडक्ट। कोल तार, वी आर गेटिंग कोल तार फ्रॉम कोल एंड डेट इज़ यूज टू मेक एंटीसेप्टिक सोप। एंटीसेप्टिक सोप तैयार किया जाता है कोल तार से जो कि डिफरेंट किस्म के पिंपल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। अमोनिया इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लांट्स की ग्रो इंक्रीज करवाने के लिए। खेतों में खादें इस्तेमाल की जाती हैं, फर्टिलाइजर्स खाद को कहते हैं और ये फर्टिलाइजर जो है ये अमोनिया से बने होते हैं। कॉप इज़ यूज एज अ फ्यूल इन ब्लास्ट फर्नेसिस फॉर मेकिंग मेटल्स। फर्नेस वगैरह जहाँ पे डिफरेंट किस्म की मेटल्स तैयार करवाई जाती हैं वहाँ पे कॉप को एज अ ब्लास्ट यूज़ किया जाता है ताकि डिफरेंट किस्म के मेटल्स को तैयार किया जा सके। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज अबाउट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड द यूजफुल प्रोडक्ट्स। So till the next lecture, Allah Hafiz.